हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो हम लोग अब कंटिन्यू करेंगे हमारा आरटीपी के लेक्चर्स, और इस लेक्चर में हम लोग करेंगे कॉस्ट शीट का क्वेश्चन। कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट शीट का हमारा जो क्वेश्चन है, नवंबर 2019 आरटीपी से। लेट्स सी, डीएफजी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स लेदर बैग्स फॉर ऑफिस एंड स्कूल पर्पज, राइट? सो दिस लेदर बैग्स इज व्हाट? दिस इज अ फिनिश्ड गुड। The following information is related with the production of the leather bags for the month of September 2019. Leather sheets and cotton clothes are the main inputs, that is the raw material. So these two things are the raw material. And the estimated requirement per bag is 2 meter of leather sheets and 1 meter of cotton cloth. 2000 meter of leather sheets and 1000 meter of cotton clothes were purchased at 320,000 and 15,000 respectively. Freight paid on purchases is 8500. Stitching and finishing need 2000 man hours at the rate of 80 per hour. Other direct cost at of rupees 10 per labor hour is incurred. DFG has 4 machines at a total cost of 22 lakhs. Machine has a life of 10 years with a scrap value of 10% of the original cost. Depreciation is charged on the straight line method. The monthly cost of administrative and sales office staff are 45,000 and 72,000 respectively. DFG pays 1,20,000 per month as rent for a 2,400 square feet factory. Rent for a 2400 square feet factory premises. The administrative and the sales office occupies 240 square feet and the 200 square feet respectively of the factory space. वो कहता है total factory में कितना 2400 square feet का area है, इसमें से 240 square feet is for the administrative office and 200 square feet is for the sales office. Freight paid on delivery of finished bags. अब ध्यान से difference समझो, पहले उसने क्या कहा था, फ्रेट पेड ऑन परचेजेस, और ये क्या है, दिस इज फ्रेट पेड ऑन डिलीवरी ऑफ फिनिश्ड बैग्स, दैट इज फ्रेट पेड ऑन सेल्स इज रुपीज 18,000। ड्यूरिंग द मंथ 35 केजी ऑफ लेदर एंड कॉटन कटिंग्स आर सोल्ड एट 150 पर केजी। ध्यान से पढ़ो उसने क्या बेचा है। वो कहता है ड्यूरिंग द मंथ 35 केजी ऑफ लेदर एंड कॉटन कटिंग्स, क्या ये फिनिश्ड गुड है? नहीं, ये क्या हुआ, दिस इज बेसिकली स्क्रैप सेल। रॉ मटेरियल की जब कटिंग्स की उन्होंने, लेदर और कॉटन की जो कटिंग्स की बैग बनाने के लिए, उसके कुछ पीस बच गए, वो उन्होंने बेच दिए ऐसे ही 35 केजी एट द रेट ऑफ 150 पर केजी। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ स्क्रैप सेल। देयर इज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक फॉर द इनपुट मटेरियल। वो कहता है रॉ मटेरियल के लिए कोई ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। देयर इज 100 बैग्स इन द स्टॉक एट द एंड ऑफ द मंथ, दिस इज फिनिश्ड गुड्स। एफजी का 100 बैग्स का स्टॉक है हमारे पास। वो कहता है प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फॉलोइंग द फंक्शनल क्लासिफिकेशन फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2019। कोई मुश्किल है? देखने में लग रहा है मुश्किल है लेकिन बहुत इजी है। अब कॉस्ट शीट हम लोग स्टार्ट किस तरह से करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल से स्टार्ट करते हैं। कंज्यूम कितना हुआ, तो वो इन्फॉर्मेशन हमें कहां से मिलेगी, वो इन्फॉर्मेशन यहां से मिलेगी हमें। ठीक, चलो जी स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, लेदर शीट्स 3,20,000 टोटल कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट उसने निकाल दी। नंबर ऑफ बैग्स मैन्युफैक्चर्ड इज 1,000 यूनिट्स। ठीक है, एक सेकेंड, अब हमें यह कैसे पता चला कि नंबर ऑफ बैग्स जो हैं वो 1000 हमने मैन्युफैक्चर किए हैं? क्या कहीं पर भी दिया गया हमें कि 1000 बैग्स हमने मैन्युफैक्चर किए? क्या कहीं पर भी दिया गया? नहीं दिया गया। लेकिन उसने एक चीज दी, उसने कहा एक बैग को बनाने के लिए 2 मीटर लेदर शीट लगती है, ठीक है, और 1 मीटर कपड़ा लगता है। अब 2 मीटर जो लेदर शीट लगती है उससे एक बैग बनता है, और हमने यूज कितनी की है, 2000 मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 2000 मीटर में कितने बैग बने, 1000 बैग्स। कोई डाउट? ठीक, तो यहां से पता चला हमें कि नंबर ऑफ बैग्स मैन्युफैक्चर्ड कितने हैं, 1000। अब 1000 के हिसाब से हमने कहा टोटल कॉस्ट कितनी थी, लेदर शीट्स की 3,20,000, और कॉस्ट पर यूनिट क्या हुई वो साथ साथ कैलकुलेट करते जा रहे हैं हम लोग। कॉटन क्लोथ की आ गई, एड फ्रेट पेड ऑन परचेजेस 8500,
डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। क्यों, मैंने क्या कहा था कि जब भी हम लोग डायरेक्ट मटेरियल के लिए कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं तो ऑर्डर प्लेस करने से लेकर रॉ मटेरियल जब तक आपके गोडाउन में नहीं आ जाता, इन बिटवीन की जितनी भी कॉस्ट है वो सब क्या है, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट का पार्ट बनती है। ठीक, तो फ्रेट भी उसकी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। तो कॉस्ट पर यूनिट आ गया, डायरेक्ट वेजेस 80 into 2000 hours, क्या ये दिया गया हमें, दिया गया 2000 man hours into 80 डायरेक्ट वेजेस दे दी गई, कोई दिक्कत। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दे दिए, एट द रेट ऑफ ₹10 into 2000 लेबर आवर्स 20,000, तो पर यूनिट आ गया, प्राइम कॉस्ट आ गई आपके पास। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स, अब फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या कुछ आएगा, एक तो आएगा आपका डेप्रिसिएशन का पार्ट कि क्यों मशीन्स कहाँ यूज हो रही हैं, फैक्ट्री में यूज हो रही हैं, तो वो फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बनेगा। डेप्रिसिएशन में उसने कहा कि द वैल्यू इज 22 लाख, उसके ऊपर 10% स्क्रैप वैल्यू भी है हमें जो मिलेगी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10, तो स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन आ जाएगी, कोई डाउट, ठीक है। क्लियर है, अब इसने क्या किया है, इसने डिवाइड बाय 10 करने के बाद इंटू 12 भी किया, डिवाइड बाय 1/12 भी किया, क्योंकि हमें एक महीने की डेप्रिसिएशन चाहिए। ठीक, इसने बेसिकली क्या किया है, 22 लाख माइनस जो स्क्रैप वैल्यू आएगी तो उससे आ जाएगा 2,20,000 डिवाइडेड बाय 10, इससे आ जाएगी आपके पास एक साल की, मल्टीप्लाइड बाय 1/12, इससे क्या आ जाएगी, इससे आपके पास आ जाएगी एक महीने की, क्योंकि कॉस्ट शीट बना रहे हैं हम लोग सिर्फ 1 month की, दैट इज सेप्टेंबर की, तो डेप्रिसिएशन हमें चाहिए एक महीने की। ठीक, उसके बाद अपोर्शन कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री रेंट, अब ध्यान से सुनना ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हमने ये पॉइंट कर लिया, ये कवर कर लिया, ये कवर कर लिया, और मटेरियल का पॉइंट भी कवर हो गया। अब आया अगला पॉइंट, उसने कहा द मंथली कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेल्स ऑफिस स्टाफ आर 45,000, ये तो हो गया जी। उसके बाद ये वाला पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, DFG पेज 1,20,000 पर मंथ एज रेंट फॉर अ 2,400 square feet फैक्ट्री। वो कहता है पूरी फैक्ट्री कितनी है, अगर फैक्ट्री की बात करें तो फैक्ट्री इज 2,400, अब इसमें से वो कहता है 240 जो है दैट इज फॉर एडमिन ऑफिस, और जो 200 है वो किसका है, वो सेलिंग ऑफिस का है। अब जो प्रोडक्शन एरिया है, जो फैक्ट्री का एरिया है, उसके लिए कितना बचा, उसके लिए तो बचा 2400 माइनस 240 माइनस 200 इज इक्वल टू 1960, ये किसका बचा, फैक्ट्री का। ठीक, तो 1,20,000 जो पे किया वो पूरी फैक्ट्री का किया था, इसमें से सिर्फ फैक्ट्री वाला पार्ट कितना है, क्योंकि हमें वो लेना है फैक्ट्री कॉस्ट में हमें। ठीक, फैक्ट्री कॉस्ट में अपोर्शन कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री रेंट वो इसने यहां पर कैलकुलेट किया, फैक्ट्री बिल्डिंग को कितना जाएगा, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 2,400 स्क्वायर फीट, तो यहां से आ जाएगा पर स्क्वायर फीट रेंट आपके पास। तो फैक्ट्री का एरिया कितना है, 1960, जो मैंने अभी कैलकुलेट करके दिखाया आपको। ठीक, तो उतना ही पार्ट 1960 स्क्वायर फीट का जो रेंट है वो हमारी फैक्ट्री कॉस्ट का पार्ट बनेगा। ठीक हो गया। वर्क्स कॉस्ट लेस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द कटिंग्स 115 to 35। अब इसका एक चीज और क्या कर सकते हो आप लोग, ये स्क्रैप वैल्यू जो है वो आप लोग यहां पर भी लेस करके दिखा सकते हो, यहां पर भी हम लोग स्क्रैप वैल्यू माइनस कर सकते हैं, अगर वहां नहीं करना तो यहां पर भी उसको कर सकते हो आप लोग, चाहे इसको वर्क्स कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट के बात कर दो, चाहे यहां पर उसकी स्क्रैप वैल्यू को लेकर रॉ मटेरियल की वैल्यू को कम कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक, कि उसने बाद में क्यों किया उसका भी लॉजिक सुन लो क्या है, अगर हम लोग यहां पर भी करते हैं उसका भी लॉजिक क्या है, अगर तो हमने यहां पर स्क्रैप वैल्यू सेल कर दी, इसका मतलब है कि हमने एज सच रॉ मटेरियल जो था वो सेल कर दिया। यहां पे वो कहता है क्योंकि पहले फैक्ट्री कॉस्ट इनकर हुई, हमने फैक्ट्री में कुछ काम किया, कुछ कॉस्ट इनकर हुई, उसके बाद कुछ पोर्शन बचे थे वो हमने बेच दिए, इसलिए उसने यहां पर फैक्ट्री कॉस्ट के बाद उसको लेस किया। ठीक, तो मेरे पास क्या आया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या करूंगा मैं, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ बैग 0 है, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बैग्स, 100 बैग्स क्लोजिंग स्टॉक में है फिनिश्ड गुड्स के, उसने दे रखा है कहां गया, ये रहा 100 बैग्स इन द स्टॉक एट द एंड ऑफ द मंथ, तो 100 जो बैग्स थे उनकी वैल्यूएशन कर ली ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
ठीक, तो आया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब इसके बाद हम लोग ऐड करेंगे, देखो अब इसमें और चीज क्या कर सकते हो आप लोग, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव वाला पार्ट है ये आप लोग उठा के यहां पर भी लेके जा सकते हो, ठीक। तो इसको चाहे ऊपर ले जाओ चाहे नीचे ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें सैलरी का सैलरी ऑफ द स्टाफ आ गई 45,000 एंड अगेन द अपोर्शन रेंट फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। जैसे मैंने कैलकुलेशन बताई कि एडमिन ऑफिस में टोटल फैक्ट्री का रेंट कितना है 1,20,000 पर मंथ, तो 240 स्क्वायर फीट का रेंट कितना है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का पार्ट बनेगा, ठीक 12,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टाफ सैलरी अपोर्शन रेंट एंड द फ्रेट पेड ऑन द डिलीवरी ऑफ बैग्स, दिस इज व्हाट, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी आपके पास, ठीक है। अब इसमें देखो क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इसमें जो तंग कर सकते हैं हम लोगों को। जैसे कि यहां पर सबसे पहले तो बैग्स कितने होंगे हमें ये कैसे पता चलेगा, वो यहां से, अब देखो इंफॉर्मेशन किस तरह से दी जाती है घुमाकर, ठीक। और दूसरी चीज ध्यान में रखना है कि फ्रेट पेड ऑन परचेजेस है या फ्रेट पेड ऑन डिलीवरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स है, सेल के ऊपर है या परचेज के ऊपर है। उसके बाद ये रेंट वाला पॉइंट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, कि रेंट की अपोर्शनमेंट कैसे किस तरह से करनी है, कि एडमिनिस्ट्रेटिव का कितना रेंट बनता है, सेल्स ऑफिस का कितना रेंट बनता है और फैक्ट्री का कितना रेंट बनता है हमारे पास, ठीक है। और स्क्रैप सेल, स्क्रैप सेल का मैंने दोनों तरह से बता दिया आप लोग किस तरह से उसको कर सकते हो, राइट। सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट में अगर देना हो ऐसा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कॉस्ट शीट का। इंफॉर्मेशन डायरेक्टली भी नहीं दी गई, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है कि आप कर ही ना पाओ इस क्वेश्चन को, अगर बेसिक्स क्लियर है तो हम लोग इसको कर सकते हैं। अब यहां पर मैंने बता दिया कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को ऊपर भी लेना चाहते हो तो ऊपर भी ले सकते हो, वहां पर भी कोई गलती नहीं होगी आपकी, ठीक है, यहां पर ले लो चाहे, ठीक, तो कोई गलती नहीं होगी वहां पर भी। सो दिस वॉज द कॉस्ट शीट क्वेश्चन ऑफ नवंबर 2019 अटेम्प्ट। अब नेक्स्ट लेक्चर में विल बी टेकिंग अप कॉस्ट शीट का क्वेश्चन फ्रॉम May 2019 attempt, right? So that's all for this lecture, friends. Thank you so much.